साइको एनालिसिस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यूज ऑफ मिथ्स इन मॉडर्न लिटरेचर, इंटरटेक्चुअलिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन. सो देर आर फाइव टॉपिक्स, वी शैल डील विद देम वन बाय वन. टुडे वी विल डू ओनली टू टॉपिक्स. नंबर वन, साइको एनालिसिस इज अ वे ऑफ ट्रीटिंग मेंटल पेशेंट्स. मेंटल पेशेंट के इलाज करने का एक तरीका ही है साइको एनालिसिस. द ऑस्ट्रियन सिगमंड फ्रॉयड इन्वेंटेड दिस वे ऑफ ट्रीटमेंट. तो सिगमंड फ्रॉयड एक साइकोलॉजिस्ट है, वही इस तरीके का पता लगाया. कहाँ का है, किस देश का है? ऑस्ट्रिया का. द पेशेंट इज गिवन अ कंफर्टेबल चेयर एंड अ क्वाइट रूम. मेरा साइकोथेरेपी हुआ है इसीलिए आपको जानते हैं. तो पेशेंट क्या जाता है, कंफर्टेबल चेयर दिया जाता है और क्वाइट रूम दिया जाता है. ही इज टोल्ड टू स्पीक हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस. और पेशेंट का कहा जाए बोलिए, बोलना शुरू करते करते पुरानी बात, पास्ट इम्पॉर्टेंट है. आफ्टर हियरिंग द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द पेशेंट, द साइको एनालिस्ट गाइड्स द पेशेंट विथ एडवाइस. अब तब क्या है, जो डॉक्टर है साइको एनालिस्ट है, वो पेशेंट को सलाह देता है. नो मेडिसिन इज गिवन, कोई दवा नहीं खाने के लिए. नो इंजेक्शन, कोई भी इंजेक्शन नहीं पड़ता है. साइको एनालिस्ट इज अ डॉक्टर हु ट्रीट्स पेशेंट्स यूजिंग साइको एनालिसिस. साइको एनालिसिस से ये ट्रीट करते हैं, जो डॉक्टर होता है. एग्जाम्पल दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट डेवलप्स इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ हिज डार्क कम्प्लेक्शन. किसी को काले रंग से लगता है, अरे काला रंग के हैं, बेकार के हैं, अच्छे नहीं लगते हैं. तो साइको एनालिसिस, द साइको एनालिस्ट सेज, जो डॉक्टर कहता है, लुक एट द फिल्म एक्ट्रेस रेखा. रेखा को देखिए, शी हैज़ अ डार्क कम्प्लेक्शन, काली है, ये शी सो चार्मिंग, फिर भी देखने में कितनी अच्छी प्यारी है. तो ये उसको साइकोथेरेपी ये सब करना पड़ता है. फ्रॉयड नोटिस दैट पेशेंट्स हैड डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग देयर डिस्टर्बिंग सेक्चुअल एक्सपीरियंसेस. फ्रॉयड क्या नोटिस किया, सब जो अपनी कहानी सुनाने लगता है, कहता है तो लेकिन सेक्स के घटना में लड़खड़ाने लगता है. ठीक है, अब पेशेंट इज डिस्टर्ब बिकॉज ही हैज़ सीन हिज वाइफ हैविंग सेक्स विथ, नंबर पेज थ्री दो बेटा. अब पेशेंट इज डिस्टर्ब क्योंकि अपने वाइफ का देखा है हैविंग सेक्स विथ अनदर मैन. तो वो औरत जो है दूसरे के साथ, वो आदमी देख चुका है अपनी वाइफ को दूसरे के साथ सेक्स करते. द साइको एनालिस्ट मे टेल द पेशेंट, पेशेंट का गो होम नाउ यू विल इन्जॉय योर वाइफ मोर. आप घर जाइए और अपनी पत्नी को और आप उसका और इन्जॉय और ज़्यादा इन्जॉय कीजिएगा. फॉरगिव योर वाइफ, अपनी वाइफ को माफ़ कर दीजिए. नाउ शी विल लव यू मोर, माफ़ कर दीजिएगा, आपकी पत्नी आपको और ज़्यादा प्यार करेगी. टू कंक्लूड, साइको एनालिसिस इज अ ट्रीटमेंट दैट सेज, ये ट्रीटमेंट क्या कहता है, आवर प्रेजेंट इज गवर्न बाय आर पास्ट. हम लोग का वर्तमान ना भूत से प्रभावित पड़ता होता है. इफ यू आर ओपन एंड ऑनेस्ट, अ गुड साइकोथेरेपिस्ट कैन हेल्प. यदि हम लोग खुल के बात करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो साइको एनालिसिस हमको बहुत मदद कर सकता है. और सेकेंड टॉपिक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. इज अ टर्म दैट वॉज फर्स्ट यूज बाय टू साइकोलॉजिस्ट. दो साइकोलॉजिस्ट यूज किया था इन 1855, अलेक्जेंडर पोल्टोपिटा, अलेक्जेंडर बेन यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन हिज बुक द सेंसेस एंड द इंटेलेक्ट. ठीक है, भारी भारी नाम याद हो गए दीजिए, नहीं तो मत दीजिए. विलियम जेम्स इज कॉल्ड द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी. ही यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन हिज बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी. ये भी यूज़ किया था किसमें, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन 1890. वॉट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, पता ये क्या बला है. फ्लो ऑफ थाट्स, ये जो विचार हमको चलते रहता है विचार दिमाग में, वही को कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. क्या है, वन थिंग इज कॉल्ड अनदर थिंग. स्ट्रीम ऑफ थाट को क्या कहती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. वन थिंग इज कॉल्ड अनदर थिंग, सो दिस इज अ मेटाफर. ये मेटाफर का प्रयोग हुआ है. सम एग्जाम्पल्स विल एक्सप्लेन इट. अब एग्जाम्पल देखिए, आर थाट्स डू नॉट गो स्ट्रेट एज एन एरो. तो हम लोग का विचार जो है सीधा तीर की तरह सीधा नहीं चलता है. वेन वी आर थिंकिंग वी आर अवेयर, पेज फाइव, थैंक यू, वी आर अवेयर ऑफ अदर थिंग्स. हम लोग जब सोचते रहते हैं और अगल बगल कुछ हो रहा है उसका भी हम लोग होश होता है. वी हियर द साउंड अराउंड अस, आवाज़ हो रही चारों बगल वो सुनते रहते हैं. अ डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भूख रहा है. म्यूजिक इज गोइंग ऑन, संगीत हो रहा है. आई फील अ पेन बिकॉज आई एम सिटिंग टू लॉन्ग, कुछ दर्द हो रहा है, बहुत देर तक बैठे हुए हैं, हो सकता है भूख प्यास लगी है. ठीक है, इत्यादि. वर्जीनिया वुल्फ यूजेस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन टू द लाइट हाउस.
1927 का उपन्यास है, अ वुमन इज क्लीनिंग डर्टी डिशेस। हीरोइन जो है प्रोटैगनिस्ट, ये बर्तन धो रही है। हर एंग्री हस्बैंड इज हैविंग हिज मील, उसका गुस्सा है, उसका मूड है खराब है हस्बैंड का, वो खाना खा रहा है। और वो बेचारी शी इज थिंकिंग अबाउट हर पास्ट स्ट्रगल, और बीते समय में जो संघर्ष हुआ है उसके बारे में सोच रही। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। वर्जीनिया वुल्फ यूजेज द सेम टेक्निक इन अ शॉर्ट स्टोरी अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी में भी यही टेक्निक यूज किया जाता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। हस्बैंड आस्क द वाइफ व्हाई द ब्यूटीफुल बेगर गर्ल हैज लेफ्ट देयर हाउस। हस्बैंड पूछता है अपनी पत्नी से, वो तो सुंदर भिकमंगी को तुम लाई थी, सुंदर लड़की को लाई थी, फिर चली क्यों गई। तो वाइफ पुट्स ऑन एक्स्ट्रा मेकअप, और वाइफ क्या करती है जवाब में, बढ़िया से और सज धज के आ जाती है। शी सिट्स ऑन हर हस्बैंड्स लैप, अपने हस्बैंड के गोद में बैठ जाती है। एंड आस्क्स एम आई प्रिटी, क्या हम देखने में सुंदर हैं। हियर द स्टोरी एंड्स, दिस इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन लिटरेचर। तो साहित्य में एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक टेक्निक है। पढ़ना पलटो बेटा, सिक्स, लेट अस ट्राई आवर ओन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब कोशिश करें हम लोग अपना एग्जाम्पल दें। वी रिमेंबर द ग्रेट इंडियन ट्रायो। ग्रेट इंडियन ट्रायो कौन है? मुल्कराज आनंद, राजा राव, आर के नारायण। वी हैव द मेमोरीज ऑफ वेटिंग फॉर द महात्मा 1955 बाय आर के नारायण, उसकी भी हम याद करते हैं। अब तब देखिए मेरे को एग्जाम्पल है, सॉल्ट मार्च एट दांडी, महात्मा गांधी की जय, स्ट्राइक देम, ब्लीडिंग हेड्स, ब्रिटिश पुलिस, अमेरिकन फोटोग्राफर्स, विक्ट्री टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की जय। यू सी, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। देयर इज नो ग्रामर, नो प्रॉपर पंक्चुएशन, अ वर्ड और फ्यू सजेस्ट द मीनिंग। पढ़ना लास्ट पेज बेटा, ये आ गया हम लोग का लास्ट पेज टू कंक्लूड। अब कंक्लूजन देना है। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन लिटरेचर इज अ पावरफुल वे ऑफ नैरेटिंग इवेंट्स, घटनाओं को वर्णन करने का एक अच्छा तरीका है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। दैट्स ऑल, थैंक यू। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे जो है ना, और बाकी सब टॉपिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच अभी।